धर्म नगरी हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन हरिद्वार में चोरों का इतना आतंक है कि चोर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भी चोरी की घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक चोर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर यात्री का बैग चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर चोरी की घटना को हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर भी अंजाम देने से नहीं कतरा रहे, जबकि हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड के आसपास सरकारी और प्राइवेट कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर की पैड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा के स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी का कहना है कि गंगा सभा द्वारा यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्परता बरती जाती है। यही कारण है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसकी फुटेज यात्री और पुलिस को उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। पुलिस जल्द चोर को गिरफ्तार करे ताकि यात्रियों का सामान मिल सके। उनका कहना है कि हर की पौड़ी के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। देखिए, गंगा सभा आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और उनकी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पूर्णतया सजग है, और ये श्री गंगा सभा की सजगता का ही परिणाम है कि वो जो चोर है जो इस यात्री का सामान उठाकर जा रहा है वो हमारे सीसी कैमरे में वो आ गया है, और उसकी जो फुटेज है वो उस तीर्थयात्री को भी उपलब्ध करा दी गई है और साथ ही पुलिस को भी उपलब्ध करा दी गई है, और पुलिस उसकी जांच कर उसको शीघ्र गिरफ्तार करे ताकि उस यात्री का जो खोया हुआ सामान है वो उसको प्राप्त हो जाए। देखिए, हमारे जो हर की पैड़ी है वो चारों तरफ से हमने यहाँ पर सीसी कैमरे लगवाए हुए हैं। कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ पर सीसी कैमरे नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए पुलिस सजग रहती है और हम जो भी उस प्रकार की फुटेज है वो पुलिस को उपलब्ध करा देते हैं और पुलिस जांच करके उनको गिरफ्तार भी करती है। सीओ सिटी हरिद्वार मनोज ठाकुर का कहना है कि हर की पौड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी पर स्थापित है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त की जाती है। चोरी की शिकायत आने पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मामले में पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत आएगी तो उनके द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर की पैड़ी पे हमारी हर की पैड़ी पुलिस चौकी भी है और वहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज और अन्य स्टाफ भी नियुक्त रहता है और समय समय पर इसमें BDS और डॉग स्क्वाड भी इस पर गश्त करते रहते हैं। तो जो भी कोई चोरी की ऐसी शिकायत आती है उस पर हम CCTV कैमरे की मदद से उस पर कार्रवाई करते हैं, और अगर चोरी संज्ञान में आती तो उस पर हम FIR भी लेते हैं। नहीं, अब जैसे कंप्लेंट हमारे पास आएगी तो उस पर जरूर FIR होगी और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है FIR के बाद वो विवेचना के बाद उसमें की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों ने इतना आतंक मचाया है कि हर रोज कोई न कोई चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम है। अब देखना होगा पुलिस द्वारा हर की पौड़ी पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि चोरी की यह घटना CCTV कैमरे में कैद है और इसमें चोर भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।